Welcome to my YouTube channel Shoshiadu, and today in this video we are going to see 29th May 2019 current affairs. So let's start our video. Our first question is, which state in India tentatively to have new UNESCO heritage site? So recently we have पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इसके बारे में. सो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के ओरछा में जो किला है उसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट के लिए भी भेजा गया है, टेंटेटिवली लिस्ट में भेजा गया है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन हैबिटेट असेंबली रिसेंटली. सो ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था. सो इसका सही आंसर जो है वो इंडिया है. इंडिया को यूनाइटेड नेशन हैबिटेट असेंबली की एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इलेक्ट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच पार्लियामेंट हैज रिमूव्ड द चांसलर सेबेस्टियन कर्ट्ज फ्रॉम ऑफिस एज ही लॉस्ट द नो कॉन्फिडेंस इन अ स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन. सो इट्स करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रियन. ऑस्ट्रियन चांसलर सेबेस्टियन कर्ट्ज को उनके ऑफिस से निकाल दिया गया है. निकालने का मतलब है पार्लियामेंट्री सेशन में नो कॉन्फिडेंस बिल जो है पास हो गया था. सच एज इंडिया में अभी जो है, जब इलेक्शन से पहले की बात है, तो नो कॉन्फिडेंस बिल जो है निकाला गया था स्पेशल सेशन में, और उसमें वापस से नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो कॉन्फिडेंस है वो प्रूव कर दिया. सो इसके वजह से जैसी सरकार थी वैसी बनी रही. क्वेश्चन नंबर फोर, द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द अनलॉफुल एक्टिविटीज ट्रिब्यूनल टू एडजुडिकेट वेदर और नॉट देयर सफिशिएंट कॉज फॉर डिक्लेयरिंग द एलटीटी एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTTE. So its correct answer is Liberation Tigers of Tamil Eelam. और यही जो है इसका full form है. So ये जो है एक ग्रुप है जो कि श्रीलंका में है, सिन्हाला, और LTTE में जो है शुरुआती से ही वहां पे लड़ाई चल रही है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है श्रीलंका का, यानी कि सिविल वॉर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सरवकार्स बर्थ एनिवर्सरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 28th में. सरवकार वॉज बोर्न ऑन 28th में इन कौन सी सन को हुए थे. सो यहाँ पे सन देखेंगे तो 1883 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा. आपको बता दूं, ये स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सरवकार जो है इन्होंने ही जो है टर्म दिया था हिंदुत्व. बाद में आरएसएस वालों ने इस शब्द को, इस थ्योरी को अपनी आइडियोलॉजी में शामिल कर दिया, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी में, और बाद में ये आइडियोलॉजी जो है वो बीजेपी की बन गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु विल बी स्वॉर्न इन एज द CM ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर द सेकेंड टाइम. सो इट्स करेक्ट आंसर इज पेमा खांडू. पेमा खांडू जो है इस बार दोबारा एज अ CM शपथ लेके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, टू वुमेन IAF ऑफिसर्स फ्रॉम डैश वर पार्ट ऑफ कंट्रीज फर्स्ट ऑल वुमेन क्रू टू फ्लाई अ मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर MI-17V5. सो इसका सही आंसर जो है वो है पंजाब. पंजाब से ये ऑफिसर्स बिलोंग करती है और ये जो है वुमेन क्रू में शामिल होंगी लिफ्ट हेलीकॉप्टर MI-17V5 के. क्वेश्चन नंबर एट, विच बैंक हैज अनाउंस दैट इट हैज लॉन्च्ड बैंक ऑन व्हील्स फैसिलिटी इन 14 ऑफ इट्स लेड डिस्ट्रिक्ट्स इन तमिलनाडु एंड केरला बिसाइड विजयवाड़ा. सो इट्स करेक्ट आंसर इज इंडियन ओवरसीज बैंक. इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि IOB ने ये अनाउंस किया है कि वो बैंक ऑफ व्हील्स की फैसिलिटी ला रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर पार्ट ऑफ एन एम्बिशियस प्रोग्राम टू रिन्यू एंड एक्सपेंड इट्स फ्लीट ऑफ वेसल्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स एबिलिटी टू टैप द आर्कटिक्स कमर्शियल पोटेंशियल रिसेंटली. करेक्ट आंसर इज रशिया. रशिया जो है वो लॉन्च करने वाला है न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर, जो कि एक प्रोग्राम है जिससे रिन्यू किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा जो वेसल्स की फ्लीट है उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, विच इज ऑल्सो द लास्ट वन, हु इज प्रेजेंट MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक. सो अभी हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड ये है. सो IOB के जो, अगर हम MD की बात करें, मैनेजिंग डायरेक्टर, और CEO की बात करें, तो ये जो है आर्ब सुब्रमणिया
कुमार जो है वो इसके एमडी और सीईओ है. सो हियर वी कंप्लीटेड आवर ऑल करंट अफेयर्स. आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट. सो देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन. यू कैन शेयर विद मी. आई लव टू रीड दैट. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू शेडू फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस. यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी एडिट्स लाइक मुझे किस तरह से और इम्प्रूव करना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए, सो दैट आई इम्प्लीमेंट इट.